तो गाइस आज मैंने जो ये वीडियो बनाया है मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं आज मेरे पास दो चीज़ें आई हैं और वही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो गाइस वेलकम बैक टू लोकल इमेज चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। दो चीज़ों की हमेशा मेरे वीडियो में कमी होती थी, एक तो है वॉइस क्वालिटी और एक सेकेंड थी इमेज स्टेबिलाइजेशन। आपने देखा होगा कि जितने भी मेरे फुटेज थे वो थोड़े शेकी होते थे बिकॉज मैं हैंडल शूट करता था, तो जिसके कारण मेरे वीडियोस में एक स्मूथनेस नहीं आती थी। अगर सिनेमेटिक की बात कर रहा हूँ तो सिनेमेटिक ऑल अबाउट स्मूथनेस, वो इमेज एकदम बटरी होनी चाहिए, एक फील आता है उसमें, बट वो चीज़ें मैं नहीं दे पाता था। और सेकेंड थी मेरी साउंड क्वालिटी, क्योंकि मैं जो भी शूट्स करता था वो मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से शूट करता था, जिसके कारण पीछे के बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज़ है तो वो भी उसमें कैप्चर हो जाती थी और मेरी वॉइस इतनी क्लियर नहीं होती थी। तो मेरे कई दोस्तों ने और मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा कि भाई तू माइक ले ले, तू भाई माइक ले ले, एंड फाइनली मैंने वो चीज़ें ले ली है। तो मैं आपको एक एक करके मैं उसकी अनबॉक्सिंग में आपको दिखाता हूँ। ये फिलहाल मैं अभी आज आपको इसका अनबॉक्सिंग में करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसा है, प्रोडक्ट क्या है। तभी ये मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ तो ये मिलता है आपको अंदर, ठीक है। ये एक पाउच आएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप बाहर का ट्रैवल कर रहे हो। तो इसके साथ फिर एक माउंट आता है जो कि आप फ़ोन या DSLR को कनेक्ट कर सकते हो, और एक ये केबल आता है, एक नहीं एक्चुअली दो केबल आते हैं। तो ये आपके DSLR के लिए यूज़ होता है, जब भी आप DSLR अगर यूज़ कर रहे हो तो आप ये इसे DSLR में कनेक्ट कर सकते हो और ये माइक्रोफोन में आपके कनेक्ट होगा। और एक जो ऑलरेडी मेरे फ़ोन पर कनेक्ट है अभी केबल, तो ये जो दूसरा कनेक्टर आता है ये TRS-2 TRS आता है, ये आपके स्मार्टफोन के लिए यूज़ होता है। अगर आप स्मार्टफोन से वी ब्लॉगिंग करना चाहते हो और आप शूट करते हो तो आपके लिए ये केबल यूज़ होगा। अगर आप ये वाला केबल उसमें कनेक्ट करोगे तो ये रिकॉर्ड नहीं करता है वॉइस, मैंने खुद ने टेस्ट किया है। और ये जो ऊपर है ये सर ये विंडशील्ड है जो आपकी नॉइज़ कैंसिलेशन में हेल्प करता है। अभी तक मैंने बाहर यूज़ नहीं किया था, मैं बोल नहीं सकता बाहर कितना वॉइस कैंसिलेशन ये करता है, तो जब थोड़े दिनों के बाद मैं जब यूज़ करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये काम कर रहा है। फाइनली जो सबसे बड़ी चीज़ है जो काफ़ी थोड़ी महंगी भी है वो चीज़ मैंने ले ली वो ये है Zhiyun Smooth 4 स्मार्टफोन गिम्बल। तो इस गिम्बल के थ्रू अब मैं स्मूथ एंड बटरी फुटेज ले सकता हूँ, वीडियोस ले सकता हूँ। तो ये चीज़ की कमी थी जो मेरे वीडियोस में थी, तो अब आ चुकी है मेरे पास। तो आज मैं इसको आपको अनबॉक्सिंग करके मैं दिखा रहा हूँ, और जब कुछ दिनों के बाद जब मैं यूज़ करूँगा तो मैं इसका आपको फुल रिव्यू दे पाऊँगा। फिलहाल तो मैं अभी आपको सिर्फ अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो ये पहले आता है ये इस तरह से, इसका बॉक्स क्वालिटी भी अच्छा है। तो इसके अंदर मिलेगा आपको ये एक थर्माकोल जैसा बॉक्स, और एक ये आपको कार्ड भी मिलेगा, ये मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया। तो इसके साथ आपको एक ये केस मिलता है, ये सेफ्टी के लिए आपके लिए अच्छा है, इसको आप बाहर यूज़ कर सकते हो, कैरी करते हो तो जब भी। तो इसके साथ ये आपको एक एनवलप मिलता है जिसके अंदर है ये क्विक स्टार्ट गाइड मिलेगा आपको, इसके अंदर कैसा स्टार्ट करना है, इसके फंक्शंस, कौन सा ऐप यूज़ करना है, ये सारे चीज़ें इस डिटेल में। फिर दूसरा आता है ये है एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी इशू विद ZY Play, ये एक ऐप है उसके थ्रू आपको बताया कि कैसे यूज़ करना है और कौन से फ़ोन इसमें सपोर्ट करते हैं और कौन से फ़ोन नहीं, ये सारी कार्ड में ये सारी डिटेल्स है। और लास्ट में कार्ड आता है, ये है सर्विस कार्ड, इसमें सब बताया डिटेल्स, कस्टमर्स केयर, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया एनवेलप, अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग, ओपन करते हैं हमारा फाइनल प्रोडक्ट जिसका कई दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था। तो ये है Zhiyun Smooth 4 स्मार्टफोन गिम्बल। इसके साथ आपको ये एक ट्राईपॉड मिलता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मैं कह सकता हूँ। ये आप जब भी कहीं पे टेबल पे या कहीं पे भी रख के आप शूट कर सकते हो, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये है एक मिनट, ये है गिम्बल, इसका भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारे फंक्शंस है। अगर आप इसके ऐप के थ्रू कनेक्ट करते हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो सारे फंक्शंस। और यहाँ पे है इसका
सी टाइप चार्जर और इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए, और ये आपको जूम और इसके लिए काम आता है। ये केबल मिलता है जो कि सी टाइप है, जो इसकी चार्जिंग के लिए हेल्प करता है। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ अनबॉक्सिंग में आपको इस प्रोडक्ट्स की करके दिखा रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि इसकी वॉइस क्वालिटी और इस स्टेबलाइजेशन का कितना यूज़ है, इस गिम्बल का कितना यूज़ है। तो अभी मैं सिर्फ आपको अनबॉक्सिंग मैंने करके दिखाई है, और माइक विक सारी चीज़ें जो टेस्ट है वो मैं कुछ दिनों के बाद बाहर जब मैं करूँगा रियल में, और जब मैं खुद यूज़ करूँगा तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैं आपको सब बतानी थी, यही दो चीज़ें मैंने अभी अभी जस्ट खरीदी है। तुम्हारे भाई ने थोड़ी तरक्की कर ली है फाइनली, अब थोड़ा वो प्रोफेशनल वीलॉग में जा रहा है। पता नहीं मैं वीलॉग प्रोफेशनल कर पाऊँगा या नहीं, बट मेरा इक्विपमेंट अब आ चुका है। आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पे मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला है गेयर दैट आई यूज़ फॉर क्रिएटिंग दिस वीडियो, तो उसमें सिर्फ दो ही चीज़ थी, एक ये मेरा छोटा सा ट्राइपॉड है गोरिल्ला और मेरा फ़ोन था। बट अब फाइनली शायद से उस लिस्ट में दो नाम और ऐड हो जाएंगे, जो कि एक ये गिम्बल है और एक ये बोया MM1 माइक है। तो गाइस ये सारी डिटेल मेरे को आपको बतानी थी। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन प्रोडक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में टाइप कीजिए एंड पूछिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं कवर कर सकूँ और मैं आपको इसके बारे में और डिटेल दे सकूँ। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी आज के लिए, तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए अलविदा।